मैं हूँ अभी जायका चाइनीज सेंटर रेस्टोरेंट की किचन में और शेफ राकिब है हमारे साथ। और आज शेफ हमें बता रहे हैं चिकन कॉम्बिनेशन शेजवान राइस की कि रेस्टोरेंट में चिकन कॉम्बिनेशन शेजवान राइस कैसे बनता है। तो शेफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने चाइनीज वोक ले लिया है और उसको पहले अच्छे से हीट कर लेंगे। अगर आपके पास वोक नहीं है तो आप गहरी कढ़ाई ले लीजिए और उसको अच्छे से हीट करने के बाद इसमें कुकिंग ऑयल डाल लीजिए और ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो अब हम इसमें अंडा फेंट के डाल देंगे और अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अंडा जब फ्राई हो जाए तो हम इसमें पहले से बॉईल किया हुआ राइस डाल देंगे। राइस कैसे बॉईल करना है इसका भी वीडियो हमने बनाया है, तो आप वो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और राइस डालने के बाद हम इसमें नूडल्स जो है बॉईल किया हुआ थोड़ा सा वो भी ऐड कर देंगे। ये कॉम्बिनेशन फ्राइड राइस है इसलिए इसमें राइस और नूडल दोनों आता है। ऊपर से हम इसमें बॉईल किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम टेस्टिंग पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और वाइट पेपर पाउडर डाल देंगे और हल्का सा स्टार फ्लावर का मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देंगे और फिर स्प्रिंग अनियन डाल के और शेजवान डाल देंगे और फिर इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे आप मिक्स करते रहिए। अभी हम बटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप अगर घर पे बना रहे हो तो आप 3 से 4 मिनट इसे हाई फ्लेम पे ऐसे ही मिक्स करते रहिए। और अब हम स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चिकन कॉम्बिनेशन शेजवान राइस जो है रेडी हो गया। इसे अगर आपको टेस्ट करना है तो आप जायका चाइनीज सेंटर फोर्ट एरिया में जो रेस्टोरेंट है वहाँ के आप इसे टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप मुंबई से नहीं हो तो आप इसे अपने घरों में बनाइए। कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका चिकन कॉम्बिनेशन शेजवान राइस कैसा बना। और भी ऐसी रेस्टोरेंट रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।